वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 7। तो यहाँ पे सुबह की जो चाय है वो तो हो चुकी है। तो अब ना घर का कुछ भी काम बाकी नहीं हुआ है, सारा काम जो है वो बाकी है। तो फटाफट से पहले वो काम करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है मैं अपने बालों पर जो है ऑयल लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ऑयल लगाऊंगी। रात को जो है मैं ऑयलिंग करना जो था वो भूल गई थी, तो इसलिए मैं अब करूँगी। तो अभी आज तो सबकी छुट्टी भी है, तो इस वजह से जो है लेट भी हुआ, लेट मतलब लेट ही होता है सारा काम। तो चलो चलते हैं काम करने के लिए, और पहले मैं जो है ऑयल कर लेती हूँ। चलिए आप कर लेते हैं अपने बालों में ऑयलिंग। तो मैं यहाँ पे अब जो है अपने बालों में ऑयलिंग कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है ऑयलिंग के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ किया है, और यहाँ पे जो है हल्के हाथों से जो है बालों में ऑयलिंग करनी है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं काफ़ी फास्ट जो है ऑयलिंग कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने वीडियो की जो स्पीड है वो तेज़ करी है। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी तेज़ी से जो है ऑयलिंग कर रही हूँ। ऑयलिंग करने के बाद जो है मैं बाल में कंघी नहीं करती, तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही जूड़ा बांध दिया है। तब तक घर का सारा काम जो है मैं फिनिश कर लूंगी, उसके बाद ही जो है मैं हेड वॉश करूंगी। तो चलिए अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ कपड़ों को फोल्ड। तो यहाँ पे कपड़ों को मैं फोल्ड करके अब इनको अलमारी में रख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने जो थे कल सारे कपड़े धो दिए थे, और आज तो मुझे कोई कपड़े नहीं धोने हैं, और आज जो है सबकी छुट्टी भी है। तो मैंने कल ही सारे कपड़े जो थे धो दिए थे, क्योंकि मुझे घर में आज ना बहुत सारा काम है। तो मैं अब इनको फटाफट से फोल्ड करके जो है अलमीरा में रख दूंगी। तो चलिए यहाँ पे कपड़े जो हैं फोल्ड हो चुके हैं। तो अब मैं कर रही हूँ अलमीरा के जो बाहर का जो शीशा है इसकी सफाई, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो है अपने गंदे वगैरह हाथ लगा देता है, और इसमें भी ना काफ़ी हमारे भी हाथ लग जाते हैं, तो इस वजह से ये जो है जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैंने आप जो है अलमीरा की जो है सफाई, बाहर का जो शीशा है वो साफ हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ उस वाली बालकनी की जो है मैंने जाले तो निकाल दिए थे, अब मैंने ये वाली बालकनी रह गई थी, तो पिछले संडे को उस वाली बालकनी की करी थी। तो अब इस संडे को मैंने सोचा इस वाली बालकनी के जो है जाले निकाल देती हूँ, क्योंकि ये वाली बालकनी भी जो है बड़ी गंदी हो रखी थी। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ यहाँ कमरे में झाड़ू लगाने के लिए। तो क्या हुआ कि बच्चे ने ना सारे खिलौने जो हैं चरपाई के नीचे अपने सारे गिरा दिए थे, तो मैंने आज चरपाई अलग करके तो उसके पहले सारे खिलौने निकाले। और यहाँ पे क्या हुआ कि चरपाई के नीचे भी जो है बहुत ज़्यादा कचरा हो रखा था, और इस वाले कमरे में जो है जाले भी बहुत हो रखे हैं। तो मैंने ना इसलिए आज जो है बेडशीट जो है वो धोनी है, तो इसलिए मैंने अभी बेडशीट जो है चेंज नहीं करी है। पहले मैंने सोचा फटाफट से इस कमरे में जो है चरपाई के नीचे से झाड़ू भी लगा देती हूँ और सारे जाले भी निकाल दूंगी, तो उसी के बाद जो है बेडशीट चेंज करूंगी, क्योंकि वो वाली बेडशीट जो है मुझे धोनी है। तो यहाँ पे जो है दीवारों पे जो है बहुत सारे मैंने बर्थडे के दिन जो बैलून थोड़े बहुत रह गए थे वो भी निकाले फटाफट से। तो यहाँ पे जो है आज मैंने जो है इस कमरे के जो जाले हैं ना वो अच्छे से निकाल दिए हैं। इस कमरे में जाले जो है वो जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना क्या है कि ये खुला भी रहता है, दोनों खिड़कियाँ हैं और फिर यहाँ पे बालकनी भी है, तो ये हमेशा खुली रहती है। तो इस वजह से इस कमरे में जाले भी जो है वो जल्दी लग जाते हैं। तो चलिए अंदर कमरे में जो है मैंने झाड़ू लगा दी है, लेकिन अभी मैंने पोछा नहीं लगाया। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ बालकनी की सफाई। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा निरमा डाल के बालकनी को जो है साफ कर दिया है। चलिए आप कर लेते हैं यहाँ पे ये बॉक्स की सफाई। यहाँ पे ये शीशे वाला बॉक्स है, लेकिन हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं अब इसको फटाफट से मैंने इसको जो है धो दिया है। मैंने इसको कपड़े से नहीं पोछा है, मैंने सोचा कि इसको ना धो देती हूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैंने इसको आज अच्छे से ना डिश वॉश से जो है इसको पूरा धो दिया है, और फिर बाद में जो है इसको ना इसके शीशे को जो है सूखे कपड़े से जो है अच्छे से पोछ दूँगी।
चलिए मैं आ गई हूँ यहाँ अंदर कमरे में बेडशीट ठीक करने के लिए। तो वो वाली बेडशीट जो है मैंने बाहर बालकनी में रख दी है धोने के लिए। तो यहाँ पे मैं आप कर रही हूँ बेडशीट ठीक। जैसे ही मैं बेडशीट ठीक कर रही थी तो बच्चा जो है खुद भी लग गया है बेडशीट ठीक करने में। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि वो तो मुझे अभी ठीक करने नहीं देगा, तो इसलिए मैं जो है बाद में ठीक कर लूँगी इसको अच्छे से। फिर भी मैंने थोड़ी बहुत जितनी बिछानी थी बिछा दी है। तो अब वो लग गया है अपनी मस्ती करने में और यहाँ पे वो तब कूद रहा है, तब मैं वो अपनी मस्ती कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जो है फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ, फिर वो वरना ना पता है मैं पोछा लगाती हूँ तो पूरे घर में जो है चलता रहता है और फिर डर भी रहता है गिरने का। तो इसलिए मैंने सोचा वो मस्ती कर रहा था तब मैं फटाफट से जो है इस कमरे में जो है पोछा लगा देती हूँ, फिर वो यहाँ पे अपने आप खेलता रहेगा और उसके जो है पापा देख लेंगे। मैं बाहर लगा लूँगी फिर से, मैं बाहर फिर पोछा लगा लूँगी। तो चलिए यहाँ पे जो है सारा काम जो है वो हो चुका है। तो मैं यहाँ पे मैंने आज हेड वॉश भी करना था, तो मैं यहाँ पे अब जला रही हूँ सुबह की ज्योत। तो यहाँ पे फटाफट से पूजा कर लूँगी और उसके बाद ही जो है ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। चलिए अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और अभी जो है मेरे बाल जो है मैंने ना अभी उनको नहीं सुखाऊंगी, मैंने तो ऐसे ही टॉवल से लपेट लिए हैं। अगर मैं उनको सुखाती तो तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाता ब्रेकफास्ट बनाने में। अभी 9 बज चुके हैं तो इसलिए मैं फटाफट से यहाँ ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। और आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ यहाँ पे सिंपल वाले पराठे, और कल जो थी थोड़ी सी सब्जी भी बची हुई थी तो यहाँ पे मैं उसी के साथ ही जो है ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो चुका है। तो मैं आ गई हूँ किचन में बर्तनों को साफ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बाल जो है बाद में सुखाऊंगी, पहले मैंने सोचा कि मैं किचन का जो है सारा काम निपटा लेती हूँ। तो मेरे को आज किचन जो है वो धोनी नहीं है, मैं किचन को जो है गीले कपड़े से ही जो है वो पोछूंगी, क्योंकि कल ही मैंने जो है किचन की अच्छे से सफाई कर रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।